साथियों नमस्कार। आज जो आप ये पौधा देख रहे हैं ना, बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा पौधा, और जो फॉक्स होती है ना, उसकी जो पूंछ होती है, उसकी टेल जो होती है, उसकी तरह का इसके देख रहे हैं, उसकी तरह का बिल्कुल लाइट ग्रीन नीडिल टाइप इसके लीव्स है। तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा है, और ये हम इंडोर में भी लगाते हैं, आउटडोर में भी लगाते हैं, कंटेनर में भी लगाते हैं, जमीन में भी लगाते हैं। बहुत ही हार्डी पौधा है और बड़े आसानी से हो जाता है, इजी टू ग्रे है, लो मेंटेनेंस पौधा है। तो आज हम इसी पौधे की बात करेंगे कि इसको हमें क्यों लगाना चाहिए। बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, एवर ग्रीन प्लांट है, आप एक बार लगा दीजिए, सदाबहार फिर अपने यहाँ चलता रहता है। और इसको इस ग्रीनरी, इसके बुशीनेस के कारण ही इसको लगाया जाता है। तो इसको कहते हैं फोक्स टेल एस्पेरेगस। तो फोक्स टेल एस्पेरेगस की हम आज बात करेंगे। ये एस्पेरेगस जो है, इसको एस्पेरेगस डेसिफ्लोरस, एस्पेरेगस डेसिफ्लोरस भी इस पौधे को कह देते हैं। तो इसके साथ जैसे ये फोक्सटेल फर्न, फर्न एक शब्द जुड़ा हुआ है, हालांकि ये वास्तविक फर्न नहीं है। तो इसको जो ये हम कहते हैं ना फोक्सटेल फर्न, ये एक्चुअली ट्रू जो फर्न नहीं है। फर्न एक्चुअली होते हैं फर्न, मॉसिस, ये लोअर प्लांट्स होते हैं। और फर्न जो पैदा होता है, उसका जो रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है स्पोर से। उसमें फर्न में ना फूल आते ना बीज आते, और जबकि इसमें बीज भी आते हैं, इसके अंदर फूल भी आते हैं। इसका रिप्रोडक्शन सीड से भी होता है और इसके डिवीजन से भी होता है। इसको हम काट के दूसरे पौधे बना लेते हैं तो उससे भी हो जाता है। तो ये पौधा एक्चुअली ट्रू फॉर्म नहीं है, लेकिन इसको फोक्स टेल फर्न बना जा बोला जाता है, क्योंकि ये फोक्स की टेल की तरह इसका जो अपीयरेंस दिखता है। लेकिन जो भी है, ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है और घर में लगाने के लिए एक बहुत ही फेमस सा, पॉपुलर सा हाउस प्लांट है। आप किसी भी नर्सरी में जाओ, इजीली मिल जाता है। तो ये, और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांडिंग पौधा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की डिमांड है, तो ऐसा कुछ इसके साथ नहीं है। पेरिनियल एवरग्रीन प्लांट है, लाइट ग्रीन नीडिल लाइक इसकी जो देख रहे हैं लीव्स हैं, और ये फोक्स टेल के जो की तरह मिलता जुलते उसके है, तो इसलिए इसका नाम दे देते हैं। कॉमन हाउस प्लांट है, एस्पेरेगस फैमिली परिवार से है। प्लम एस्पेरेगस भी इसको कहा जाता है, एस्पेरेगस है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखना, ये थोड़ा टॉक्सिक होता है, तो डॉग्स और पेट्स ह्यूमंस के लिए भी टॉक्सिक होता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। नेटिव प्लेस जो इसका है, ये ओरिजिनली साउथ अफ्रीका का है, और ग्राउंड कवर हमारा प्लांट है, ग्राउंड को कवर कर लेता है, लो मेंटेनेंस है, हार्डी प्लांट है। इसका जो रूट सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप इसको लगाइए और कुछ दिन बाद अगर इसे को निकाल के देखेंगे तो पूरे गमले में रूट इसकी फैल जाती है। वो कई बार कह देते हैं ना कि जितना ये ऊपर है, इतना ही जमीन के अंदर है। इसके साथ वही लागू होता है कि इसका रूट सिस्टम ये ट्यूबर्स बनाता है। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की समस्या भी नहीं, क्योंकि वो ट्यूबर्स जो रहते हैं, वो उनके अंदर पानी और भोजन इकट्ठा कर लेता है। तो अगर मान लीजिए बाई मिस्टेक हम पानी भूल भी गए, कुछ दिन नहीं दे पाए, तो इसके साथ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं ना। ये बहुत मतलब ड्रॉट टॉलरेंस एक तरह से कह सकते हैं इस पौधे को, कि ये पानी का अगर किसी तरह अभाव हो जाता है तब भी अच्छा चल जाता है। और इसके जो दो तीन चीज़ें हैं इसके केयर के बारे में, केयर के बारे में मेरा जो SMS वाला फॉर्मूला है, SMS मतलब
एस सॉइल, एम मॉइस्चर, एस सनलाइट। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए और पोरस सॉइल, सैंडी सॉइल हो तो बहुत ही अच्छा, वेल ड्रेन सैंडी लोम सॉइल, सैंडी या सैंडी लोम सॉइल वो हो, पोरस सॉइल हो। तो इसको बनाने के लिए हमें अपना जो है गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट, ये तीनों तो लेना ही है। थोड़ा थोड़ा इसमें जैसे बोन मील है और मैग्नीशियम सल्फेट जिसको एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, एप्सम सॉल्ट ले लीजिए, नीम केक और थोड़ा फफूंदी नाशक भी मिला दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी कई बार लग जाता है तो रूट रोट से बचाने के लिए पौधों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ये मिला देंगे तो एक बहुत ही अच्छी इसकी सॉइल तैयार हो जाती है, वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाती है। मॉइस्ट सॉइल इसको चाहिए, सॉगी नहीं चाहिए, वेट नहीं चाहिए। सॉक एंड ड्राई वाला मेथड हमें इसका जो जो दूसरा है मॉइस्चर, तो मॉइस्चर में हमें सॉक एंड ड्राई वाला मेथड अपनाना है। इसको मॉइस्ट सॉइल चाहिए लेकिन सॉगी नहीं चाहिए, वेट नहीं चाहिए, गीली नहीं चाहिए, ऐसा ना हो उसमें दलदल हो, इतना पानी भर दिया हमने तो उससे रोट वेट हो जाती है, पत्तियां पीली पड़े, अंडर वाटरिंग ओवर वाटरिंग दोनों में ही पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। तो इसको हमें मॉइस्ट सॉइल रख ली, सॉक एंड ड्राई, मतलब सॉक एंड ड्राई में मतलब जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद पानी देना है। तो दो पानी के बीच में एक बार मिट्टी को हमें सुखाना है। तो इसको वो पसंद है, इसकी सॉइल जो थोड़ी एसिडिक साइड की अगर होती है तो इसको बहुत पसंद है। तो ये इसका दूसरा जो मैंने बताया कि रूट वार्म इसे बहुत पसंद है, इसकी रूट्स बहुत बढ़ती है, बहुत स्ट्रांग वो है। अगर हम जमीन में इसको लगा रहे ना तो एक पौधे को दूसरे पौधे से कम 2 फीट दूरी पर लगाइए, क्योंकि इसकी रूट्स फैल जाती है, ट्यूबर्स बनाता है। तो वो हमें ध्यान रखना है इसको लगाने के लिए जमीन के अंदर। कंटेनर में भी पूरा भर लेता है इसलिए बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाकी पौधों को क्या है कि वो बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड पसंद नहीं करते हैं कि गमला भर गया फिर उसमें सांस लेने को भी जगह नहीं बची, लेकिन इसको पसंद है, जल्दी से जल्दी अपने गमले को भर लेता है, पहले फैल जाता है गमले को, गमले को कवर कर लेता है। इसके बाद ग्राउंड कवर पौधा पूरा गमले को भूसी बना लेता है, पूरा कवर कर लेता है। तो ये बहुत होगी। तो हमने बात करी इसकी सॉइल की, इसके मॉइस्चर की, तीसरा जो बताया लाइट की। लाइट के अंदर हमारा टेम्परेचर भी आ जाता है। टेम्परेचर देखो, ये पौधा क्या मैंने बताया हार्डी पौधा है, 10 से 30 डिग्री के बीच में आसानी से हो जाता है। 30 डिग्री से ऊपर इसको दिक्कत होती है, 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर चला जाए दिक्कत होती है, 10 से नीचे चला जाता है तो भी दिक्कत होती है, सर्दियों में परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में परेशान हो जाता है। इसको कहाँ रखें, तो मैंने बताया जहाँ टेम्परेचर 10 30 के बीच है सर्वाइव कर लेता है। इसको मॉर्निंग लाइट और इवनिंग शेड पसंद है, तो सुबह की धूप मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन दोपहर बाद की धूप बर्न कर देती है इसकी पत्तियों को। तो ये इसको थोड़ा सा दिख रही है, धूप छाव पसंद है, धूप छाव पसंद है, रूट बाउंड इसको पसंद है, मॉइस्ट सॉइल इसको पसंद है, और इसके जो लोकेशन होती है वो अगर इसको इनडायरेक्ट पार्शियल सनलाइट मिलती है तो ये बहुत अच्छा चलता है। तो ये हमारे 2 3 चीज़ें मैंने इसके बारे में बताई कि SMS वाला फार्मूला हम अगर अपनाएं तो इसकी केयर बहुत ही अच्छी होती है। तो अब हम बात करेंगे जो इसकी रिपोर्टिंग की, कि रिपोर्टिंग बहुत जल्दी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाता है, अगर टेराकोटा का पॉट है ना तो तोड़ देगा उसको, फाड़ देगा, उसकी जड़ें निकल आएगी, इतनी ज़्यादा रूट बाउंड कर लेता है। तो चलिए इसकी बात करते हैं, अब हम रिपोर्टिंग कैसे करें, इसको इसका बढ़ाएं कैसे, एक पौधे से दो चार कैसे करेंगे। ये जो हमारा फोक्सटेल फर्म है, एस्परगस जो है, ये एक्चुअली इसकी जो रूट सिस्टम है ना वो ट्यूबरस रूट सिस्टम है। तो ट्यूबरस रूट सिस्टम में होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अपने रूट को डेवलप करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम इसका है। तो इसको बहुत ज़्यादा हालांकि डिमांडिंग नहीं है, लेकिन इसको जो फीडिंग इसकी जो
एक महीने में एक बार, स्प्रिंग और समर में। विंटर में तो क्योंकि इसका डोरमेंट पीरियड होता है तो इसको नहीं करना चाहिए। इसका ग्रोइंग सीजन जो स्प्रिंग और समर है, इसी में हमें सारे काम इसके साथ करने होते हैं, इसी समय हमें फर्टिलाइजर देना। तो स्प्रिंग और समर में महीने में एक बार इसको हमें लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए, क्योंकि रूट बाउंड हो जाता है तो उसमें हम मिला तो सकते नहीं, तो हमें लिक्विड देना पड़ता है उसमें, चीज़ की जमीन में देना पड़ता है। और बाकी इसकी मिट्टी को, क्योंकि जब रूट बाउंड हो जाए तो मिट्टी को इसके चेंज करना चाहिए। उसी समय हमें ये जो मैंने सॉइल मिक्स, इसका पॉटिंग मिक्स बताया, वो इसके गमले में हमें भरना चाहिए। और इसका जो मैंने बताया, इसको ये जो प्रोपेगेशन ये करता है, ये मल्टीप्लीकेशन करता है, तो इसके जो गमले में से निकाल के इसको तीन चार टुकड़े कर लेंगे। जितने टुकड़े कर लेंगे उतने गमलों में हम इसको लगा लेंगे, काट के अलग अलग इसकी रूट्स की प्रूनिंग कर देंगे। रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं जो, तो नीचे से उसकी प्रूनिंग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं ये फिर अपने को तेजी से एक्टिव वो ग्रोथ करेगा तो उसमें हो जाएगा। तो ये हमें बात रखनी है, ध्यान रखना है इसका, कि जैसे कुछ चीज़ें मैंने अभी बताई है कि नई ग्रोथ के लिए, नई ग्रोथ तभी इसकी अच्छी होती है, इसकी प्रूनिंग कर दें जड़ों की। इसकी कुछ पत्ती होती हैं सूख जाए तो उनको काट दें, सफाई क्लीनिंग कर दें, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रहती, एक बार पानी से नहला दीजिए तो हो जाता है। रिपोर्टिंग के लिए जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रिपोर्टिंग इसकी कर देनी चाहिए। रिपोर्टिंग में वो प्रूनिंग करनी है, ट्रिमिंग करनी है, लीव्स की हमें तोड़ना है, उनको एक्स्ट्रा रूट्स को निकाल देना है और नया जो हमारा गमला पहला जितना था उससे, मान लिया 9 इंच का है, तो अगली बार हम लगाएं तो 12 इंच के में इसको लगाएं, तो जिससे ये अच्छा। दूसरा, ये जो डेकोरेटिव प्लांट है, गुलदस्ते वगैरह में इसका खूब इस्तेमाल होता है फ्लावर्स के अरेंजमेंट के लिए, और एक्सीलेंट ये है, एकदम ऑर्नामेंटल प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है। इसकी ग्रीन लीव्स की वजह से ये अच्छा खासा मशहूर है।